गुड़ी पड़वा की पूजा क्यों करते और ये गुड़े क्यों बांधते? क्योंकि ये हमारे घर की परंपरा है। ऐसा कहा जाता है कि ये हमारे नए साल की शुरुआत होती है और गुड़ी को दरवाजे पे बांध के हम खुशियों का स्वागत करते हैं। तो बस सारी कड़वाहटे बाहर निकाल कर हम जिंदगी में नया मीठापन लाते हैं। एक फोटो। मैम गौरव एक फोटो आप दोनों की। आई चमत्कार कैसे हो? ये सब प्रिया का है कमाल। परी हैप्पी गुड़ी पड़वा। परी एक्चुअली तुम्हें पता है मैं अमन के बारे में ही सोच रही थी। आई थिंक हम उसे ढूंढ सकते हैं। आई मीन कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा जिससे हम उस तक पहुंच सके। अब देखो वो एक जीता जाता इंसान इस दुनिया से गायब कैसे हो सकता है? कहीं ना कहीं तो जरूर होगा और मे बी शायद उसने तुम्हें अपना नाम गलत बताया हो। परी शक्ल तो सेम होगी ना और पहचान भी। मेरा दिल कहता है हम उसे जरूर ढूंढ निकालेंगे। मुझे नहीं लगता। देखो मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। जहां जहां उसके होने की गुंजाइश थी मैं हर जगह जाके आई। नेट पे अमन माथुर के नाम के कितने सर्चेस किए मैंने लेकिन यू वोंट बिलीव जब मैं उसके कॉलेज गई तो वहां जाके पता चला कि इस नाम का कोई स्टूडेंट कभी वहां था ही नहीं। मतलब नाम झूठा काम झूठा हर तरह से उसने मुझे बस चीट किया है। एनीवे प्रिया हम इस टॉपिक पे क्यों डिस्कशन कर रहे हैं? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं कर रही। प्लीज तुम इस मामले में दखल मत दो। मुझे उसे नहीं ढूंढना है। आई टोल्ड यू ही मीन्स नथिंग टू मी। अमन कौन है? अमन लंदन में मिला होगा तो इंडियन दोस्त है। अमन तो यहां पर भी मिलना चाहिए। अमन मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। मैं जानती हूँ अमन है। मैंने उसे कहीं ना कहीं देखा है और अगर मैंने उसे देखा है तो मैं उसे ढूंढ सकती हूँ। परी अमन तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी खुशी है। मैं तुम्हें तुम्हारी खुशी लौटाऊंगी। आई प्रॉमिस। ये सब क्या करके रखा है आपने? ये लीजिए पानी। ये तुम्हारी हैंडराइटिंग है ना? देखो ध्यान से। आना प्लस अमन और ये लव फॉर एवर।
कौन है ये अमन बताओ ना। बताओ कौन है। मैं कब से सोच रहा हूँ अमन अमन ये मेरे को मिला। ध्यान एक मिनट से छोड़ो, ध्यान से देखो देखो इसे याद करो ये कौन है अमन। सब मुझे नहीं पता ये कौन है। ऐसे कैसे कह सकते हो तुम्हें नहीं पता, याद करो ना इसमें लिखा तो है आहाना प्लस अमन फॉरएवर। तो कौन है ये अमन सब मुझे नहीं पता किसने लिखा है। अरे याद करो ना अमन कौन है। अमन कौन है अमन, कोई तो होगा जिसने लिखा भी होगा ये। सर एक सेकेंड। सर अमन हमारा दोस्त होगा, दोस्त था वो सर, लेकिन अब हम उसके कांटेक्ट में नहीं तो इसीलिए अब हमें याद नहीं रहा कि कौन। तो मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है फ्रेंड, कौन है अमन मुझे याद कराओ। अच्छा कब मिले थे, कहाँ मिले थे, कौन है अमन, पूरा नाम क्या है इसका। सर मुझे भी तो बहुत मुश्किल से याद आया, और वो हमारे साथ था फिर वो चला गया कहीं। अब आप छोड़िए ना सर, वो आप भी क्या लेकर बैठ गए, हमारी जिंदगी में कितने लोग आते हैं, हम थोड़ी ना हर किसी के बारे में याद रख सकते हैं। तो ये भी सर उन्हीं में से ही है, और वैसे भी आज इतना अच्छा दिन है और आप मुझे देखने के बजाय आप ये अमन अमन करे जा रहे हैं। आपके लिए कौन इम्पोर्टेंट है, मैं या ये अमन। सॉरी कुछ तुम इम्पोर्टेंट हो, तुम सबसे इम्पोर्टेंट हो। सॉरी भूल जाता हूँ अमन को, हैप्पी गुड बाय। आपने मुझसे एक प्रॉमिस किया था, आपको याद है। प्रॉमिस? आपने मुझसे कहा था कि जैसे ही हमारे घर में गुड़ी लग जाएगी फिर आप मुझे मेरे घर लेकर जाएंगे। हाँ ऑफ कोर्स, बाबा शशांक सबसे मिलवाने। चलो चलो चलिए, कपड़े तो चेंज कर लीजिए। क्यों इसमें क्या प्रॉब्लम है, अच्छे तो लग रहे हैं दोनों। ऐसे ही चलना। हाँ अच्छा ठीक है चलिए चलो। में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, बहुत सारे जख्मे भी दे जाते हैं, उन जख्मों को मिटाने के लिए, उन पर मलम लगाने के लिए तुम्हारे पास कोई है, तुम्हारा खुद का परिवार, कभी उनसे अपना दर्द शेयर करके देखो, दर्द कम हो जाए। परी शक्ल तो सेम होगी ना, और पहचान भी। मेरा दिल कहता है हम उसे जरूर ढूंढ निकालेंगे। काश आज मॉम होती यहाँ, 20 साल पहले उसे फैमिली से निकाल दिया। किसकी गलती थी, मॉम की, मौसी की, डैड की, या फैमिली की। मॉम की तरह मैं भी आज तक ये मोमेंट्स मिस करती आई हूँ, बट नाउ आई हैव नो कंप्लेंट्स, थैंक यू सो मच गॉड, नाउ आई एम विथ माई फैमिली। बस अब मॉम को ये खुशियाँ दिलानी है। डोंट वरी डियर, तेरी स्माइल, तेरी खुशियाँ, जो अपने साथ ले गया है उस अमन को मैं ढूंढूंगी, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। अरे चपाटे, कैसे हो? कैसे हो? हैप्पी गुड़ी पड़वा। अरे साडू भाई, हैप्पी गुड़ी पड़वा, हैप्पी गुड़ी पड़वा।
मानसी। शशांक अब ताई देख ले कि आप ये क्या कर रहे हैं। हाँ तो देखने दो। अपनी वाइफ को मिठाई खिला रहा हूँ, उसमें प्रॉब्लम क्या है? शशांक अब आप जाइए यहाँ से। ठीक है, लो इसको अंदर रख लो। शशांक नॉट बैड मानसी। ताई मुझे तुझे कुछ बताना है। ताई हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, अब हमने अपनी फैमिली बढ़ाने के लिए भी सोचा है। बहुत शुक्रिया भाई। देखना कैसे सब ठीक हो गया ना, हम सबकी जिंदगी वापस अच्छी हो गई। जीजू भी ठीक हो गए हैं और ये सब सिर्फ तेरी वजह से हो पाया है। तूने कैसे अपनी जान खतरे में डालकर जीजू को, पर अब सब ठीक है। और वैसे मैंने भी नोटिस किया, अब तू जीजू को नाम से बुलाने लगी, क्यों? ऐसा नहीं मानसी, वो मैं ना कभी कभी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नरेन सा को नरेन बोलूं, लेकिन बहुत शर्म आती है। क्या रे, एक मिनट आना, तुम दोनों तो बातें करती रहोगी ना, मेरे लिए लौकी की सब्जी बना दो, बहुत टेस्टी लगती है, प्लीज। मन कर रहा है? हाँ सर, बस बस बन गई। अरे क्या बात है, क्या लग रहे हो गुड़ी पड़वा के दिन, कमाल है। ये बात पे ठहरा निकाली। अच्छा पहले पैसे दे, पहले के चल। अरे दे देंगे बाद में, दे देंगे। अरे चल चल, पहले पहले के पैसे निकाल दे। पैसे उगा रहे थे, दे देना यार मेरे को। अरे बोला ना पहले पैसे दे, तू कमाल कर दी, आधी कर दी। मुझे इलियाना फकरी सबसे ज्यादा पसंद है। अड़े अड़े ए अड़े ए ए तू भाई है ना जो ये हिलाता है, हां हिला के दिखा मेरे को। अरे भी दे दे, आप हिला के दिखाओ एक बार। ये देख, वेरी गुड, तू कर ना। अच्छा मेरे को दे, ये दे 10 तक दे मेरे को भी। ठीक है। अरे कहां 10 तक दे भैया, चूम के रखेंगे अच्छा जिंदगी भर। ठीक है, धोना मत, धन्यवाद, हाथ धोना मत। थैंक यू। कितना दर्द है तेरा, अपने आप निकाल ले और धरना दे मिलाइटी। अबे तुझे क्या लगता है बे, इन लड़कियों की फोटो के बदले क्या मैं तेरा पुराना उधार माफ कर दूंगा? अबे कहाँ है उसके पैसे, लड़कियों की तस्वीरें ले लेता है। दो बियर देना बॉस। हाँ यस। रुक। ससुरे हमरे बटवे से हमरे पैसे निकाल के हमरे पैसे की दारू पिएगा तू? तो ई किसका वॉलेट है? ई तोरा है। हाँ तो मेरा बटवा क्यों मारा? और तेरे पास क्या सबूत है? हाँ ये जो 100 रुपए मैंने अभी दिए वो तेरे? देख भैया हम गरीब आदमी, बहुत मुश्किल से 100 रुपए जमा किए थे, गुड़ी पड़वा का त्यौहार है, त्यौहार मनाने दे दे हमारे पैसे दे दे। ओह आई एम सो सॉरी यार, तू अपने गुड़ी पड़वा के पूजा के लिए नहीं जा पाएगा। तूने मेरा बटवा मारा, मैंने तेरा बटवा मारा, सब बराबर। तो क्या है ना, मैं दिखता हूँ स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का ना, लेकिन एक्चुअली ना बहुत बड़े हर तेरे टाइप का। आपका जादवाई हूँ मैं, मराठी है। मराठी नहीं, मुंबई करूँ मैं। क्या मुंबई कर? ठीक है बाय। ससुर आपने को हीरो कहता है, हमने पैसे लेके गया। एक मिनट मिनट, रुक। हेलो दामाद जी, दामाद जी वो जो हीरो है ना, नया हीरो, वो सर नाचता है सर, वो हीरो वो हमारा पैसा ले गया। हम घर जाने के पैसे नहीं हमारे पास, तो आइए ना इधर आइए, पैसे ले गया हमारे। एक मिनट, आप वो कहाँ? यहाँ टेकरी के पास। हाँ
अरे हम वहीं हैं, दो मिनट में पहुंच रहे हैं बस। ओके हाँ आओ आओ आओ। ए तू रुक हीरो रुक, पहुंच रहे। तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। तो पला तुझे इतनी भी खबर है कि तेरा हीरो। क्या हुआ, किसने चुराया? हीरो बनता फिरता ना वो, हमरे हमरा बटवाली, हमरे पैसे, हमरे पैसे की दारू पीगा। चल ये मैं तेरा हीरो वरुण धवन। हाँ हीरो नहीं, चिंदी है। तुम वरुण हो ना? एक मिनट, वरुण धवन तुम्हारी पिक्चर आने वाली है 4 अप्रैल को। एक मिनट, वो तुम्हारी फिल्म आने वाली है, मैं तेरा हीरो 4 अप्रैल को, वही वाले हो ना? देखो तुम्हें ससुर जी का वॉलेट वापस करो। कैसे चुराया तुमने? वापस दो, दिस इज नॉट नाइस। ऐसे किसी का वॉलेट चुराने नहीं चाहिए। अरे हाँ, तुम हीरो हो, तुम एक्टर हो, तुम भी ये कर रहे हो। एक मिनट मुझे बोले तो, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें, हीरो बनते फिर रहे हो यहाँ पे और तुम वॉलेट चुरा रहे हो। अभी अभी मेरे ससुर जी का वॉलेट वापस करो, मुझे नहीं पता। अरे तुम नरेन हो ना? हाँ लेकिन तुम कैसे जानते हो मुझे? नरेन, हम लोग लंदन में मिले थे। हाँ वहां तो मेरा कब? अरे 2 साल पहले वो मेरी शूटिंग चल रही थी पिकेडिली सर्कस के सामने, हम लोग मिले थे, यू विद दैट वो लड़की के साथ थे। तो हाना, नाउ शी इज माय वाइफ। ये नहीं थी? अरे यही है हाना। अरे दामाद जी, अरे वो अपना वॉलेट तो ले लीजिए सोच लीजिए वापस उन्हें। अरे तमाजी उनकी बातों में मत आइए, वो हीरो हमने तो बेवकूफ बनाया, आपको ही बनाएगा, हमने पैसे चुराए, आपको भी चुरा लेगा। वरुण आई एम रियली सॉरी, दरअसल नरेन सर की थोड़ी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो इस वजह से उन्होंने इस तरह रिएक्ट किया। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अरे लेकिन जब हम लोग लंदन में मिले थे तब उनकी दिमागी हालत ठीक थी, आई मीन ही वाज क्वाइट नॉर्मल। दरअसल वो उनके साथ कुछ हादसा हो गया, उसकी वजह से। Oh my God, so sorry, मुझे सब पता नहीं था। वरुण, वरुण तुम आहना को जानते हो ना? मतलब तुमने उसे देखा होगा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो कैसी दिखती थी? क्या? हाँ, थोड़े वक्त के लिए तो मिला था मैं। वो बस वो थोड़ी सी लंबी थी, स्वीट बबली टाइप की लड़की थी, बहुत स्वीट थी, नाइस गर्ल। लेकिन अगर मैं उसे देख लूंगा तो मैं पहचान लूंगा उसे। I mean, if you want me to। आहना इस दुनिया में नहीं है। Oh, I'm sorry। मुझे यकीन है कि आज नहीं तो कल नरेन इस ट्रॉमा से बाहर आ जाएगा और आप ही उसे इस ट्रॉमा से बाहर लेके आएंगी। जिंदगी में ना ऐसे अक्सर होता है, कुछ लोग ना पीछे छूट जाते हैं, लेकिन कोई आता है हमारा हाथ पकड़ के हमें आगे लेके जाता है। नरेन की जिंदगी में वो आप हो। हर किसी की जिंदगी में एक हीरो होता है, नरेन की जिंदगी में आप वो हीरो हो। आप कोशिश कर रही है ना कि वो ठीक हो जाएगा, मुझे पूरा यकीन है कि आपकी कोशिश सफल होगी। All the best. Thank you. All the best to you too. तुम्हारी फिल्म आ रही है ना 4 अप्रैल को, मैं तेरा हीरो। हाँ। हम सब की तरफ से all the best. हम सब तुम्हारी फिल्म जरूर देखेंगे। और thank you आहना के बारे में बताने के। ठीक है। ए, ए, रुक, 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 रुक। हमने पैसे निकाल। ए तू जा, दावा जी के संभाल। जा। अरे जा तू जा उसका संभाल। अच्छा अच्छा अच्छा। पैसे निकाल। पैसे जाना मैं दे रहा हूँ। ये ले। ये पैसे कहाँ गए थे? कहाँ आई? टिकट है, पिक्चर के टिकट है, जाके पिक्चर देखो, एंजॉय करो, एंजॉय, ठीक है? हाँ, ये हम सभी के लिए दिया तू? हाँ, पूरी फैमिली के लिए। चलो भाई। अरे क्या कमाल आदमी है भैया। कमाल नहीं, धमाल हूँ मैं। बड़ा हीरो ऐसे ही होता है। कमाल। ओए हमने 200 रुपए कहे? ससुर भाई पेपर 300 रुपए की टिकट है, 100 में थोड़ी ना मिलेगी, इसलिए बाकी के 200 भी लेकर जा रहा हूँ। हिसाब बराबर? ससुरा हर हीरो है। वाह, इतना सारा खाना! आजी, ये फेस्टिवल रोज रोज क्यों नहीं आता? साल में एक ही बार क्यों आते? रोज आना चाहिए बेटा, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये जितना भी खाना है ना, इसमें से कुछ भी तेरे लिए नहीं है। तू क्या खाएगी क्या नहीं खाएगी मैं डिसाइड करूंगा। आजी। मानव, आज अब पुष्टि को कुछ नहीं बोले। पुष्टि, तेरा जो मन करे, जितना मन करे उतना। आज तुझे कोई नहीं रोकेगा, मानव भी नहीं। प्रिया,
एक बात कहूँ, देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है ना मानव। ऐसे लग रहा है जैसे जैसे बहुत सालों पहले जब मैं मुंबई में बनाती थी ना, एकदम सारी मराठी डिशेस, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ खाना तो बहुत अच्छा बना है, ऑथेंटिक मराठी फूड, लेकिन इतनी जल्दी, मेरा मतलब अभी तो गेस्ट आने वाले हैं ना, बाबा के इन्वेस्टर्स आने वाले हैं, और बाकी सारे गेस्ट आने से पहले ही